कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक और मजे में होंगे। सो गाइज, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपना रिएक्शन और ऑनेस्ट रिव्यू ऑन एमएस धोनी फनीएस्ट कॉमेंट बिहाइंड द स्टंप्स। सो जल्दी से जल्दी और चल के पहले इस वीडियो को एंजॉय करते हो, उसके बाद बाकी की बातें बाद में करेंगे। 3, 2, 1, लेट्स गो। सो गाइस, ये करती है मैंने वीडियो प्ले। दोस्तों, अगर आप एमएस धोनी के फैन हो तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको धोनी की वो आवाज़ सुनाने जा रहा हूँ जो कि मैच के दौरान स्टंप्स में लगे माइक में रिकॉर्ड हो गई। धोनी कई बार मैच में बॉलर्स और फील्डर्स को गाइड करते रहते हैं जिससे कि वह मैच जीत सके, और कई बार धोनी ऐसी फनी कमेंट्री भी कर देते हैं जो कि कई बार वायरल भी हो जाती है। तो ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। दोस्तों, इस मैच के दौरान धोनी ने पुजारा की फील्डिंग के बारे में बॉलर को बताया। उन्होंने कहा कि अगर बैट्समैन घूम के मारेगा तो पुजारा को वहां पर उसी के लिए खड़ा रखा है, वह उधर ताली बजाने के लिए नहीं है। क्या बात है, now man he's just getting them in that right area। तो इधर पुजारा को उसी के लिए रखा है, उधर ताली बजाने के लिए नहीं है। ताली बजाने के लिए नहीं है, पुजारा को उसी के लिए रखा है, उधर ताली बजाने के लिए नहीं है। नंबर 4, धोनी टू जडेजा। दोस्तों, हम धोनी और जडेजा भाई की जोड़ी के बारे में तो जानते ही हैं। जब इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच के दौरान जब ट्रेंट बोल्ट बैटिंग कर रहे थे, तब धोनी रविंद्र जडेजा से बोले कि एक बॉल धीरे डाल और एक छक्का खा के दिखा। क्यों छक्का खा के दिखा? इसके पीछे भी कोई उनकी स्ट्रेटजी होगी। नंबर 3, धोनी टू सुरेश रैना। दोस्तों, ये मैच था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में, जहां पर धोनी लगातार सुरेश रैना को गाइड कर रहे थे। धोनी बता रहे थे कि कैसे बैट्समैन वॉलीबॉल की तरह एक ही जगह पर खड़ा है। ऑब्जर्वेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों, तभी एक फनी वॉइस भी बीच में आ जाती है, जहां पर वो कहते हैं शमी थोड़ा सा पीछे आ जा। नंबर 2, धोनी टू चहल। दोस्तों, एक ऐसे ही मैच के दौरान एमएस धोनी टीम के सभी प्लेयर्स को गाइड कर रहे थे। वे चहल की बॉलिंग के लिए भी उन्हें अच्छी तरीके से समझा रहे थे। वहीं पर रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर वो फील्डिंग के बारे में उन्हें भी बता रहे थे। ये सारी वॉइस स्टंप्स में लगे माइक में रिकॉर्ड हो गई। क्या बात है, अमेजिंग। मतलब वो पहले से प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं कि अब क्या होगा, बैट्समैन आगे कैसे शॉट खेलेगा, उसका माइंड रीड कर, उसके पीछे खड़े होके वो बैट्समैन का पूरा माइंड रीड कर जाते हैं, अमेजिंग। नंबर 1, धोनी टू मनीष पांडे। दोस्तों, सबसे आखिर में आता है अब धोनी का वह वीडियो जो कि सबसे ज़्यादा वायरल हुआ था। इस वीडियो में धोनी गुस्से में मनीष पांडे को डांट रहे थे, वे उन्हें मैच पे फोकस करने के लिए बोल रहे थे। धोनी का यह वायरल वीडियो काफ़ी ज़्यादा मीम्स में भी इस्तेमाल किया गया था। 34 of his 3.1। Just a single. 34 of his 3.1 over so far. दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी?
सो गाइस ये थे MS धोनी के स्टंप से पीछे की कुछ फनीएस्ट कमेंट्रीज एंड गाइस आई रियली एंजॉयड इट एंड स्पेशली आई एम अमेज्ड आफ्टर वाचिंग दिस बिकॉज जिस तरह धोनी जो है वो स्टंप्स के पीछे खड़े होके बैट्समैन का माइंड रीड कर रहे हैं और जो बॉलर है उसको गाइड कर रहे हैं कि किस तरह से बॉल डालनी है और फील्डर को अगर उन्होंने खड़ा किया है तो बता रहे हैं बॉलर को कि मैंने उसको वहां तालियां बजाने के लिए नहीं खड़ा करा बल्कि उसका रीजन है कि जब बैट्समैन शॉट मारेगा तो वो बॉल वहां जाएगी और वो बाउंड्री बचा सके। सो ये जो सारी कैलकुलेशन है जो माइंड गेम धोनी का होता है वो वाकई उनसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। एक गेम तो ग्राउंड में चल ही रहा होता है लेकिन एक गेम जो है वो धोनी के दिमाग में भी चल रहा होता है जैसे हमने इस वीडियो में देखा। जो सारे शॉट्स से इतना ज्यादा वो अंदाजा हुआ कि वाकई धोनी किस तरह सिचुएशंस को पूरा प्रिडिक्ट करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि बोल रहे हैं कि अब जो है वो हल्का बॉल डालो, अब कैच आने वाला है सो बी प्रिपेयर्ड। इस तरह से आगे की सिचुएशन को पूरा कैलकुलेट करना बहुत बड़ी बात है, ऐसे ही धोनी को मास्टरमाइंड नहीं कहा जाता। और उसके साथ ही साथ जो एक और बात मुझे बहुत ही ज्यादा मतलब मेरे दिल को छुई और धोनी की रिस्पेक्ट मेरे दिल में और भरी वो ये थी कि वो अपने जूनियर्स को जिस तरह गाइड कर रहे हैं। अगर हम नॉर्मली देखें तो प्लेयर्स जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं वो जूनियर्स को इतना मुंह नहीं लगाते और वो अपनी एरोगेंस में होते हैं, लेकिन धोनी कभी भी अपने लिए नहीं खेलते, वो हमेशा अपनी टीम के लिए खेलते हैं और अपनी टीम को पूरा साथ लेके चलते हैं, यंगस्टर्स को आगे लाते हैं और यही वजह है कि धोनी जो है वो लेजेंड है और हम सब यही इसीलिए ही कहते हैं कि धोनी जैसा प्लेयर वाकई अभी तक नहीं आ सका है, कोई और उन जैसा नहीं है और शायद आगे भी देखने को ना मिले, ही इज द ओनली वन। सो गाइस मुझे बहुत मजा आया इस वीडियो को देखने में और आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। अगर किया है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कॉमेंट कीजिएगा और अगर आप लोग भी मेरी तरह माही के बिगेस्ट फैन है तो प्लीज कमेंट्स में ये सारा प्यार दिखाइएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। सो विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।